मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैंने ऑर्डर किया गेम। ये देखिए, मिचलिन कंपनी का फूट पंप ऑर्डर किया मैंने, जो कि ठीक है, साइज में बहुत ही छोटा है कि आप कैरी भी कर सकते हैं, बट वेट है इसका। वेट कितना है मैं देखता हूँ, पहले इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। सिंगल बैरल है, PSI बार KPA 3 चीज में इसका मीटर है, स्नैप इन एडाप्टर स्टोरेज है, होस्टेज लेंथ 67 सेंटीमीटर है। और कुछ पढ़ते हैं और क्या इसमें, हाई प्रेशर नो होज है, 67 मीटर की इसकी वायर लेंथ है जो कनेक्शन है, और स्मॉल टॉय एडाप्टर भी दिया गया है, स्पोर्ट्स बॉल एडाप्टर भी है जो कि आप फुटबॉल में भी भर सकते हैं, पिस्टा वॉल एडाप्टर हाई प्रेशर साइकिल्स के लिए, और स्नैप इन स्टोरेज अंडर डिस्प्ले यूनिट दिया है। अच्छा, रबर फीट नीचे का पकड़ दबाने के लिए दिया हुआ है, पुश बटन है जिस पे आपको पैर रख के दबाना होता है, और सॉरी इधर से दबाना होता है, ये डिस्प्ले इसकी दिखाता है, एक्यूरेसी है कितना है वो भी दिखाता है, और क्या है, एर्गोनॉमिक रबर है, लॉकिंग लीवर भी है इसमें जिसे आप लॉक कर सकते हैं, ये यहाँ पे बना हुआ। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, पहले इसकी सारी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं क्या चीज पैकेट पे दिया हुआ है। ये मुझे करीब 2K का पड़ा है, कंट्री ओरिजिन लेकिन चाइना है, प्राइस इसका 3K दिया हुआ है। इतनी ही सी इंफॉर्मेशन इस पर दी है, तो ये मैं खोलता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। फ्रेंड इसे मैंने इसलिए ऑर्डर किया, जैसे आप ट्रेवलिंग करते हैं, मेरे पास KTM की 250K की बाइक है, तो मैं ट्रेवल करना बहुत पसंद करता हूँ बाइक से, इसलिए मैंने ऑर्डर किया। कभी आप खुदन खासा कभी फंस जाए रास्ते में तो आपके पास पंचर बनाने के लिए होना चाहिए एटलीस्ट, कि इमरजेंसी में आप कहीं फंस जाएं, कहाँ हेल्प, रात में कहीं फंस जाओ तो बेचारे आप परेशान होंगे, तो इसके लिए मुझे लगा। देखिए कॉम्पैक्ट साइज भी बहुत छोटी है, तो वेट है मतलब 2 किलो के आसपास होगा मुझे ऐसा लगता है, एक अंदाजा बता रहा हूँ। ये देखिए, ये ऐसा प्रेशर कर दबाएंगे तो इसे पैप इसी फुट रखना पड़ता है, और ये डिस्प्ले दिखाने लगेगा। ये वायर वर्क का कनेक्शन है, बहुत ही अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा फ्रेंड्स। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप बाय भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ट्रेवल वालों के लिए बहुत अच्छा है बाइक, कार, इन दोनों के लिए कंफर्टेबल है। वैसे तो इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भी था मिचलिन का, बट मुझे इलेक्ट्रॉनिक इसलिए अच्छा नहीं लगा, उसमें इश्यूज़ क्या होते हैं, मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पाओगे, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि सिंपल बेस्ट चीज़ यही होती है कि डिजिटल ले लीजिए, पैर से करके भर लीजिए कहीं भी इमरजेंसी में, और अगर कार है आपके पास तो कार के लिए भी कंफर्टेबल है, आपको इश्यू नहीं आएगा। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक वाला ले रहे हो तो कार के साथ तो कंफर्टेबल थे, मान लीजिए कभी कुछ इश्यू हो गया, नहीं भर पाए, कुछ हो गया, तो मुझे ये वेस्ट लगा, मेरे लिए डबल चाहिए, कार के साथ भी कंफर्टेबल है और बाइक के साथ भी, इसलिए मैंने ये लिया, और घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे कि देखिए मैंने अपने टायर में कनेक्ट किया, बहुत अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, बट इसमें देखिए 28.5 mm देखें, 29 करता हूँ क्योंकि मेरे KTM बाइक 29 से ही होते हैं, ये देखिए 29 हो गया, ऐसे ही आप बहुत सही है कर सकते हैं।